सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी के अंदर SFA जोड़ो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मुकाबला मुनक्किद किया गया था, जिसमें 55 लड़कियां और 40 लड़कों ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जीतने वाले लड़के और लड़कियों में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और सर्टिफिकेट्स दिए गए उनको, और नकद कैश भी दिया गया। अब मैं इस मौके के ऊपर जो लड़के और लड़कियां इसमें जोड़ों में हिस्सा लिए हैं, उनको तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और ख़ास तौर से हमारे अजीज़ साहब जो अपनी काफ़ी दिलचस्पी लेकर इस प्रोग्रामों को मुनक्किद करते हैं। ख़ास तौर से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पुराने शहर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर नक़्शे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन सर और पार्लियामेंट ने इस स्टेडियम को बनवाया था, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्पोर्ट्स के गेम्स को मुनक्किद करते हैं, और यहाँ से बच्चे दूसरे स्टेट्स को भी जाकर खेल रहे हैं। तो लिहाजा मैं आज के जो बच्चे जिसमें हिस्सा लिए लड़के और लड़कियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर इन्होंने जोड़ो का मुकाबले में हिस्सा लिया, और आने वाले वक्त के अंदर वो तेलंगाना के लिए खेलें और इंडिया के लिए खेलें, हमारे मुल्क का नाम और हमारे स्टेट का नाम, हमारे शहर का नाम को रोशन करें। ख़ास तौर से मैं फिर एक बार तमाम को उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस मौके के ऊपर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब सलीम साहब, खादर साहब, हमारे साबिका कॉरपोरेटर जनाब गफ्फार साहब, हमारे इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मोतमदीन आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए, और मैं यहाँ पर हमको बुलवाने के लिए मैं अजीज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अजीज, जो कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी और तेलंगाना जूडो एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल ऑफिशियल और ओलंपियन और टेक्निकल चेयरमैन तेलंगाना जूडो एसोसिएशन और इंटरनेशनल प्लेयर फॉर सोमो, यहाँ पे कोच हूँ मैं कोलिकोत अपने सिटी कॉल अपने चंदूलाल बारादरी स्टेडियम सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। लास्ट 13 ईयर्स से मैं यहाँ कोचिंग दे रहा हूँ। कई बच्चे यहाँ के नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल के बच्चे यहाँ रिप्रेजेंट किए, और कई बच्चे यहाँ के कोचेस भी बने यहाँ से। और ये SFA टूर्नामेंट जो कि 10 साल से चल रहा था, गचिबोली में होता था, ये महाराष्ट्र की एक बड़ी कंपनी है जो स्टार्ट की है। तो वो टूर्नामेंट अब के 2 साल से कोरोना के बाद से कैंसिल कर दिए उन लोग कि बच्चों का लॉस हो रहा है बच्चों का, तो इसलिए मैं इधर स्टार्ट कर रहा अपना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से। हमारे मुजफ्फर भी बैठे हुए हैं, वो भी हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के एडवाइज़र है, और सत्तार फारूकी जो है हमारे पर्सन भी है और टेक्निकल ऑफिशियल भी है, पुराने प्लेयर जूडो के अच्छे प्लेयर भी है। और सबसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे अपकमिंग जो बच्चे आ रहे हैं, जो 15-16 साल के बच्चे, 18 साल के, वो बच्चे बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल ये रातों में जगना उन लोग और दूसरे एक्टिविटी में बहुत बिजी है बच्चे, रातों में जगना, रातों में खाने खाना, रात में फिरना करना, फ़ोना यूज़ करना, टेलीफोन यूज़ करना, और दूसरे आदतें बहुत गांजा अफीम वो ये उसमें बहुत बिजी हो रहे हैं लड़कियाँ हो या लड़के। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से कि स्पोर्ट्स में तवज्जो दे, वो सा भी स्पोर्ट्स हो उसमें आगे आके स्पोर्ट्स करेंगे तो अपने स्टेट का, हैदराबाद का नाम, अपने तेलंगाना का नाम, इंडिया का नाम, और वर्ल्ड में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे आके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल यहाँ पे चीप एंड बेस्ट है। दूसरी जगह आप महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा में 1500, 2000, 3000 देकर सिखाते हैं, यहाँ के बिल्कुल 100 रुपये, 50 रुपये फीस है, तो भी लोग आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं यहाँ के। तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आके बच्चे सीखें, और इतना मैं कोच लगा हुआ हूँ, दूसरे में असिस्टेंट कोच भी लगे हुए, बच्चे ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा प्रैक्टिस हो रही है, और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में और इंटर स्कूल टूर्नामेंट में और इंटर जोन टूर्नामेंट में जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। मैं सबसे ख्वाहिश है कि आके अपने स्टेडियम का नाम कर रोशन करें। और यहाँ पे GHMC के कमिश्नर साहब का भी बहुत बड़ा ताउन है,
और हमारे असद साहब का बहुत बड़ा बहुत बहुत कोशिशें करके स्टेडियम बनाया। स्टेडियम में बहुत एक्टिविटी चलती है बहुत ज़्यादा, और जूडो की मैट जो है आज से 10 साल पहले दिलाए थे मेरे को, अभी ये मैट बिल्कुल पख्ता खाली में हो गई, बच्चों की इंजरी आ रही है। मैं MLA साहब को और काउंसलर साहब को रिक्वेस्ट करा के जूडो की नई मैट आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छे बच्चे यहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया लेवल में और बड़े पैमाने पे उन लोग जाएंगे, और उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आके MLA साहब। और यहाँ पे अब ये टूर्नामेंट में करीब करीब 80 बच्चे आए थे, जिसमें से ज़्यादा क्वान्टिटी में गर्ल्स आए, जिसमें 50 बच्चियाँ पार्टिसिपेट किए, 30 बच्चे पार्टिसिपेट किए, ज़्यादा गर्ल्स की तवज्जो है, गर्ल्स बहुत आ रहे हैं आजकल, गर्ल्स को भी सीखना भी चाहिए, मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, बच्ची घर को बाहर जाके घर से अंदर आने तक उसकी सेफ्टी नहीं है, मगर ये आर्ट सीखने से वो अपने आप को सेफ रख सकती है बच्ची, और इसमें कई जॉब्स मिल रहे हैं बच्चों को कॉलेजेस में और पुलिस डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में भी, ये स्पोर्ट्स का कोटा होने की वजह से लोगों को बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं उनको जॉब भी मिल रहे हैं और सीट्स भी मिल रहे हैं लोग बच्चियों को जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, माँ बाप के पैसे भी बच रहे हैं जो स्पोर्ट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग जाके स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में जाने के बाद में कॉलेज में जाने से उनकी फीस माफ़ हो रही है उनको, उनको आगे स्टडी के लिए, और उन लोग बच्चा अपना अच्छा खुल के अपना जा सक रहे हैं बच्चे। अच्छा एज लिमिट है बच्चों ये, तो यहाँ के टूर्नामेंट जो है ये 10 to 15 था, 15 to 20 था, ये अपकमिंग बच्चों के लिए लगाया गया है जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे स्टेट खेल के नेशनल को, और इसमें रैंकिंग टूर्नामेंट में लगाया गया, और उसमें हैदराबाद का टीम का सिलेक्शन भी होगा। अब जो स्टेट मीट होंगी इसमें रिप्रेजेंट करेंगे जितने फर्स्ट प्लेस बच्चे जीते, और उन लोगों को कैश अवार्ड भी दिया गया है जो बेस्ट जूडोका को, और दूसरे जो अच्छा परफॉर्मेंस दिए बच्चों को उन लोगों को कैश अवार्ड भी दी गई और मूवमेंट भी दी गई, ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग विनर प्राइज ये बच्चों को जो है उन लोगों को मूवमेंट भी दिए गए और सर्टिफिकेट दिया गया और मेडल दिया गया बेस्ट जूडोका को, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर दिया गया, साथ ही साथ मूवमेंट भी दिया गया उन लोगों को बच्चों को इंग्रेज करने के लिए, और बेस्ट जूडो का के लिए 2000 रुपीज़ कैश अवार्ड दिया गया फर्स्ट प्लेस को, सेकंड प्लेस को 1000 रुपीज़ दिया गया, और बेस्ट जूडो का प्लेयर को 5000 रुपये दिया गया और 1000 रुपये दिया गया। तो हम लोग हमारी तरफ से अपने पॉकेट मनी से कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से करके तवज्जो करके प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।